विज्ञान चाहे कितनी ही तरक्की कर रहा हो, मगर अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान की सोच, समझ और पहुंच से परे है। और विज्ञान की तो आदत ही है कि जो बात उसकी समझ से परे हो वो उसे मानता ही नहीं, मानता है तो सिर्फ उसे जिसके साक्ष मिलते हो। मगर दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम देख सकते हैं। यहाँ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो दिखती नहीं पर महसूस होती हैं, जैसे कि हवा। दुनिया भर के कई कोनों से कुछ अजीब, कुछ भयावह तो कुछ सनसनीखेज किस्से सुनने को मिलते हैं। अगर इनके पीछे किसी मनुष्य का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत की कुछ बेहद डरावनी जगहों के बारे में। भानगढ़, राजस्थान। कहते हैं यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित है, और जिसने ऐसा किया है वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। आज से करीब 500 साल पहले 1573 में आमेर के राजा ने भानगढ़ का किला बनवाया था। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। एक तांत्रिक का दिल रत्नावती पर आ गया और उन्हें पाने की चाहत में तांत्रिक ने एक जादुई तेल की शीशी राजकुमारी के पास भिजवाई। इस तेल का जादुई असर कुछ ऐसा था कि जो भी इसे लगाता वो तांत्रिक के मोह में पड़ जाता और तांत्रिक के पीछे पीछे चला आता। मगर राजकुमारी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। राजकुमारी के हाथों से तेल की शीशी टूट गई और सारा तेल किसी चट्टान पर जा गिरा, और राजकुमारी की जगह वो चट्टान उस तांत्रिक के पीछे पड़ गई, जिससे तांत्रिक कुचल कर मारा गया। और मरने से पहले उसने भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे डाला, जिसके बाद भानगढ़ और अजबगढ़ की लड़ाई हुई, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया। कहा जाता है इसी लड़ाई के दौरान राजकुमारी रत्नावती की मौत हो गई, जिसके बाद से ही यहाँ विचित्र घटनाएं घटने लगी। घुंघरुओं की आवाजें जैसे कोई नर्तकी नाच रही हो, चिल्लाने की आवाजें जैसे कोई औरत कराह रही हो। कई लोगों ने तो यहाँ पर रात को किसी डरावनी दिखने वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि वो आवाजें, चीखें किसी और की नहीं बल्कि उस राजकुमारी की ही है। और यहाँ घटने वाली विचित्र घटनाओं के पीछे भानगढ़ के युद्ध में मारी गई वो अतृप्त आत्माएं हैं जो चीख चीख कर अपना दुख बयां करती हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है, और जिसने ऐसा करने की कोशिश की वो फिर कभी वापस नहीं आया। कुलधरा, जैसलमेर। 1291 में बना ये गांव एक दिन अचानक ही खाली हो गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ केवल भूतों का ठिकाना है। रात के समय में तो यहाँ जाना दूर, कोई दिन में भी इस गांव में आने की हिम्मत नहीं करता। जिन लोगों ने यहाँ आने की कोशिशें की उन्हें कुछ अजीब अनुभव आए, कुछ अजनबी एहसास हुए, जिसके बाद वे दुम दबा कर भाग गए। और कुछ लोग तो यहाँ आए जरूर मगर वापस लौटकर कभी नहीं गए। माना जाता है यहाँ आने वालों को यहाँ की मृत आत्माएं अपने में शामिल कर लेती हैं। पर आखिर इस गांव के शापित होने की वजह क्या रही होगी? बात है 19वीं सदी के शुरुआती सालों की, जब सालिम सिंह नामक दीवान यहाँ हुआ करता था। कहा जाता है उस दीवान ने गांव के किसी मंदिर में पालीवाल ब्राह्मण की किसी बेटी को भजन गाते देखा था, और वहीं पर उसने उस 16 साल की लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। पालीवाल ब्राह्मण ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार की बहु बेटियों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चलते पूरे गांव वालों ने एक रात में गांव खाली कर दिया और कुलधरा को श्राप दिया। अब यहाँ कभी कोई गांव नहीं बस पाएगा, यहाँ हमेशा भूतों प्रेतों का साया होगा। और तब से लेकर अब तक इस गांव में कभी कोई मनुष्य नहीं बसा। यहाँ पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी दर्ज की गई। इस जगह के भूतिया होने का पता लगने के बाद यहाँ पर कई बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने आकर इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके दौरान इन आधुनिक मशीनों के द्वारा यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति के मौजूद होने की पुष्टि भी की गई। अब ये गांव
पूरी तरह वीरान हो गया है, खंडहर बना पड़ा है। यहाँ कई बार नई इमारत बनाने की कोशिशें भी की गई, मगर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। ये गांव कुलधरा अब केवल अपने श्राप को भोग रहा है। टनल नंबर 33। शिमला में एक ऐसी सुरंग है जिसका नाम टनल नंबर 33 है, जहाँ से कई ट्रेनों के ट्रैक गुजरते हैं। यहाँ से आने जाने वालों का मानना है कि जब भी वे यहाँ से गुजरे हैं, तो उन्हें कुछ विचित्र सा महसूस हुआ है। कई लोगों को ये आभास हुआ है जैसे कोई इस टनल के अंदर से घूर रहा है। कईयों ने इस सुरंग में किसी रहस्यमय शक्ति को महसूस किया है। कहा जाता है इस सुरंग के निर्माण का प्रोजेक्ट हैंडल करने वाले कैप्टन बैरोग ने इसी टनल के सामने अपनी जान दे दी थी। असल में कैप्टन बैरोग एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बैरोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ। वे इसे समय से पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बैरोग के ऊपर फाइन लग गया। कर्ज तले दबने पर वे डिप्रेशन में चले गए और अंततः उन्होंने अपने जीवन को इसी टनल के सामने खत्म करने का फैसला कर लिया। शिमला और आसपास के लोगों का मानना है कि इस सुरंग में आज भी बैरोग की अतृप्त आत्मा मौजूद है, जो चीख चीख कर अपने दर्द को बयां कर रही है आज भी। डाउ हिल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भारत का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल। यहाँ का नजारा दिन में जितना खूबसूरत होता है, रात में उतना ही भयावह। यहाँ रात में कोई बाहर नहीं निकलता, शाम होते ही यहाँ खामोशी छा जाती है। कहा जाता है यहाँ पर स्थित विक्टोरिया बॉयज स्कूल में जब ठंड में 3 महीने छुट्टियाँ होती हैं और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, तब आसपास रहने वालों ने कई भयावह और अजीब आवाजें सुनी। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ के जंगलों में कोई सिरकटा लड़का घूमता है, जिसे जिन्होंने भी देखा या तो उनके दिलों की धड़कनें रुक गईं, या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना, ये तो नहीं कहा जा सकता। मगर एक बात तो तय है कि अगर इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी जरूर होगी। क्या आप इस नेगेटिव एनर्जी या प्रेत आत्मा में विश्वास करते हैं? और आपको आज की कौन सी जगह सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल